टंडन नगर निगम के टैक्सी स्टैंड ठेकेदार के कर्मियों ने शुल्क वसूली की बात पर वाहन चालक की जमकर पिटाई की। अयोध्या नगर निगम ने टैक्सी स्टैंड के ठेके तो बांट दिए, पर यह देखने की भी कभी जरूरत महसूस नहीं की कि ठेकेदार या उसके वसूली कर्मी वसूली के लिए बनाए गए नियमों का पालन कितना करते हैं। फैजाबाद के नाका चुंगी चौकी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर ईकॉम एक्सप्रेस की डॉक पार्सल गाड़ी के वाहन चालक अर्पित सचान को टैक्सी स्टैंड के वसूली कर्मियों ने सुबह 4:30 बजे इस बात पर बुरी तरह पीट दिया क्योंकि वाहन चालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूली के बारे में सवाल खड़े किए। अपने साथ हुई इस मारपीट से आहत ड्राइवर ने नवीन मंडी चौकी पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। रोजाना वसूली के लिए मारपीट की खबरें आने के बाद भी ना तो पुलिस कार्यवाही करती है ना ही नगर निगम। यही कारण है कि ठेकेदार और उनके वसूली कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। आज की घटना के बाद देखना ये है कि इस मारपीट के बाद पुलिस या नगर निगम कुछ कार्यवाही करता है या नहीं। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी मैं चौराहे पे ईकॉम एक्सप्रेस की ऑफिस है, मैं वहाँ पे डिलीवरी कर रहा था तो नगर निगम के कुछ लड़के आए तो उन्होंने हमसे बोला कि पैसे लाओ। तो हमने बोला कि किस बात के पैसे भैया? तो बोले कि नगर निगम के पैसे हैं। तो मैंने बोला कि भैया ये बताइए 4:30 बजे कौन से पैसे लगते हो? तो मैंने वो कहते हैं कि पैसे आपको देने पड़ेंगे नहीं तो मैं आपको मारूंगा। तो मैंने उनसे बोला भैया ऐसे कैसे मारोगे? तो उसमें से एक लड़का हमको मारने लगा और बाकी सब पकड़ घसीटने लगे, मेरा सर फट गया। ये देखिए ये पूरा ब्लड से लाल था। और जब सर फटा तब ये लोग भागे क्या? सर मारने के बाद ये लोग हमारी डीएल जेब में पड़ा हुआ था, डीएल लेके पर्स लेके भाग गए। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है।